सुबह सुबह महारानी आई है वॉकिंग करने के लिए। ऐ जैसे ठंडा लग जाएगा ज़्यादा स्टाइल लो। ऐ क्या बोलना है, बोलो थोड़ा। कुछ नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हम लोग जा रहे हैं, सुबह सुबह कुछ काम है। मेरा एक पर्ल का रिंग था जो कि अभी मैं पहन नहीं पा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जो मतलब निकल गया है वो जो पर्ल, उसको ठीक करा के एक बार पहन लेती हूँ। निकल गया है रिंग से पर्ल, तो इसको मैं ठीक कराने लेके जाऊँगी। और मम्मी बोली कि उसको एक नोज़ रिंग चाहिए, क्योंकि उसका वो जो पहन रही थी वो टूट गया है, तो एक नोज़ रिंग भी लाना है। तो एक बार में ही ये सब काम ख़त्म करके मैं लेके आऊँगी। पता नहीं आज शायद नहीं देंगे, क्योंकि बनवाने के लिए तो टाइम लगता है, फिर भी देखते हैं कितना टाइम लगता है। हाँ ये वाला, और हम लोग ये वाला स्टोन का इयर रिंग लेके आए फाइनली। मम्मी बोली कि उसको ये वाला अच्छा लग रहा है, तो ये ही लेके आए। बाहर इतना धूल था, फिर मैं आके सोची कि नहा लेती हूँ, और अभी मैं नहा के फ्रेश होके आ गई। कल जो मैं डैंड्रफ के लिए ट्रीटमेंट करी थी, अभी मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में अपडेट दे देती हूँ। और यहाँ पे मेरा डैंड्रफ बिल्कुल भी नहीं है, जितना जो था वो सब चला गया। अभी तक मेरा हेयर केयर का रूटीन नहीं देखे हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं जो बेसिक हेयर केयर का रूटीन है मैं आपके साथ शेयर की हूँ, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, आपके लिए वो हेल्पफुल होगा, इतना मैं बिलीव करती हूँ। और अभी तक मैं हेयर कोम नहीं की हूँ, बस जो फिंगर में करी थी वही है। और अभी मैं डिटैंगल करूँगी ये वाले कोम से। मतलब आप देख सकते हैं कितना स्मूथली मेरा डिटैंगल हो जा रहा है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आप जब मिल्क लगाएंगे उसके बाद आपको अच्छे से शैम्पू करना पड़ेगा, और उसके बाद सूखने के बाद सीरम लगाइए, बस उतना ही काफ़ी है। शैम्पू नहीं करने से मिल्क का जो स्मेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, तो वो रहता है। और उसके बाद जो फैट है वो आपका पूरा चिपक के रहता है, तो वो अच्छा नहीं है। तो अच्छे से आपको क्लीन करना पड़ता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ शैम्पू करके बस छोड़ दीजिए, कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो मेरा पूरा अच्छे से हो गया, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है इसको डिटैंगल करने में। बस मेरा हो गया, और अभी फिर से मैं ब्रेड बना लूंगी। और ये हो गया, नहीं हेयर निकला तो इतना नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। और मिल्क लगाने के बाद हेयर बहुत स्मूथ लगता है। जब मिल्क लगाएंगे तब सूख जाएगा, बहुत ज़्यादा ड्राई लगेगा, बट कोई दिक्कत नहीं, जब आप शैम्पू कर लेंगे आपका हेयर पूरा स्मूथ हो जाएगा, जैसे मेरा अभी हेयर है। तो आप एक बार ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मैंने जो आपके साथ शेयर किया उसको लेके अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मैं आपका वो डाउट भी क्लियर कर दूँगी, कोई टेंशन नहीं। तो बस हो गया, मुझे एक्चुअली आपको दिखाना था रियल लाइफ में एक्चुअली डैंड्रफ जाता है या नहीं, और उसके बाद आपका हेयर कितना स्मूथ लगता है। तो बस इसलिए मैंने ये शेयर किया। तो बस आप आगे देखते रहिए। 6.5 hours later आज हमारे घर में हो रहा है दो दो केक। तो ये है सिंपल केक, ये मिकी के लिए, और दीप के लिए हो रहा है ये गाजर वाला केक। अभी हम लोग उसको माइक्रोवेव में बिठाएंगे, सेम प्रोसेस है। और यहाँ पे मैं कुछ ऐसे यूज़ नहीं की हूँ, इसको मैं बनाई हूँ पार्ले जी बिस्किट से। आज रात में बनेगा रोल, तो ऐसे सब्जी को थोड़ा सा फ्राई करने के लिए बिठा दिए हैं। तब बेसिक जैसे हम मैदा का बनाएंगे बेस और इसको रैप कर देंगे। दो केक बन के रेडी हो गया है, अभी ब्रेकफास्ट भी सॉर्टेड। दीप को ऐसे घर का केक खाना ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग बना लिए, अभी बस निकालेंगे। और यहाँ पे बस हम लोग मैदे वाले रोटी को ऐसे तल रहे हैं, और इसके अंदर वो मसालों को रैप करके बना देंगे रोल। और यहाँ पे मेरा जो केक बना हुआ है वो शायद अभी निकल जाएगा, क्योंकि ठंडा तो हो गया है, निकाल के देखते हैं। मम्मी की आई है निकालने के लिए, निकालो निकालो, पहले निकालो उसके बाद काटना। यहाँ पे निकालो पहले प्लेट, सेट तो दे।
नहीं 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 वैसे नहीं, हाँ और ये पूरा बन गया है केक। ये मैं ब्रेड के शेप में बनाई हूँ ये वाला मोल्ड से, और अभी मैं उसको काटूंगी, काट के फिर रख लूंगी क्योंकि फ्रिज में इतना बड़ा तो जगह नहीं होगा। और ये दीप का गाजर केक भी हो गया है, पूरा अच्छे से हुआ है, वो जब आएगा तभी काटेगा। यहाँ पे मैं सब काट के रख चुकी हूँ कल सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए। और ये रहा मैदे का रोटी, इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा गार्लिक मेयोनीज और फिर उसके बाद डालूंगी ये केचप। और फिर ये जो हम रखे थे वेजिटेबल्स को, इसको डालूंगी। इंडियन टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा प्याज और धनिया पत्ता और फिर थोड़ा सा सेज़वान सॉस। अभी हो गया, इसको करना है रैप। और ये बन गया ना रोल, इसमें ये सिंपल है। हाँ, ये सिंपल। हाँ लो, पकाई ना दी सब में खाएगा एक बस बस थोड़ा सा। ना ना छोटा कर देने से ज्यादा दिन चलता है। तुम ज्यादा दिन लेके जाओगे इसको। अरे मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा केक अच्छा लगता है मेरे को। ना सच बोलो दो, तुम खाओ अभी, लो तुम ही खाओ। मैं तो इतना केक पसंद नहीं करती ना। अच्छा है, गाजर केक है वो, अच्छा लगा। मैंने पाव भाजी मसाला वगैरह नहीं, नहीं नहीं पाव भाजी नहीं, कुछ मसाला वगैरह नहीं है जो मैं सब मेयोनीज और ये सब मिला के दी ना वो चिली। बाहर के रोल से भी अच्छा नहीं है। चलो निकालो अभी पैसा, केक खा लिए, रोल खा लिए, खाली खाली में फ्री में निकालो पैसा, निकालो डॉगी ले जाओ। आज का वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। टिल देन टाटा, गुड बाय, टेक केयर।